तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सनम तेरी कसम का पार्ट टू बनेगा या फिर नहीं, और आदित्य नारायण के वायरल वीडियो जिसमें उन्होंने एक फैंस का मोबाइल फोन फेंक दिया था, जिस पर क्या उस लड़के ने उन पर FIR रजिस्टर करा दी है। हालांकि आदित्य नारायण ने इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इसी बीच अब उस लड़के का बयान सामने आया जिसका फोन आदित्य ने फेंका था। दरअसल इवेंट मैनेजर ने आदित्य के बर्ताव पर सफाई पेश करते हुए कहा था कि वो लड़का आदित्य को काफी देर से परेशान कर रहा था, वह बार बार आदित्य के पैर पर फोन मार रहा था। इस पर अब उस लड़के ने एक इंटरव्यू में उस घटना के बारे में बताया है। लड़के का नाम लवकेश है, जो कि उसी कॉलेज का स्टूडेंट है जिसमें आदित्य कॉन्सर्ट कर रहे थे। लवकेश ने कहा, कॉन्सर्ट चल रहा था और मैं स्टेज के सामने खड़ा था, आदित्य सर परफॉर्म कर रहे थे, वो सबके फोन लेकर सेल्फी ले रहे थे, तो मैंने भी वहाँ खड़े होकर अपना फोन सेल्फी के लिए आगे बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ पर अपने माइक से मारा और बेवजह मेरा फोन फेंक दिया। वो हर किसी के साथ सेल्फी ले रहे थे तो मुझे भी लगा मेरे साथ भी सेल्फी लेंगे, इसीलिए मैंने अपना फोन आगे कर दिया था। मेरा फोन फेंकने के बाद भी वो लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, उन्हें ये पता होगा कि उनका मूड क्या था। और जब लवकेश से ये सवाल पूछा गया कि क्या वह आदित्य के खिलाफ FIR रजिस्टर कराएंगे, जिस पर लवकेश ने कहा, मैं पुलिस में शिकायत नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं करूंगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहता। इसके बाद आदित्य नारायण पर काफ़ी सारे मीम्स भी बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये सब बिना मेहनत के ही मिल गया है, जिसकी वजह से उन्हें इतना घमंड आ गया है। मैं यही कह सकता हूँ कि अगर वो फिल्म नहीं होती तो शायद मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता, क्योंकि और अगर आप लोगों ने उसको रिलीज़ के बाद ये प्यार नहीं दिया होता तो मैं कहीं जंगलों में ही होता। क्या सनम तेरी कसम का पार्ट टू आएगा या फिर नहीं, जिस पर हर्षवर्धन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी फिल्में थिएटर में जाकर देखें, ना कि लैपटॉप या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप लैपटॉप पर देखते हैं, वो मेरे प्रोड्यूसर को पता नहीं चलता, वो हर किसी की सर्च हिस्ट्री चेक नहीं करते। मेरे प्रोड्यूसर तक अगर फैंस को अपना प्यार पहुंचाना है तो उन्हें मेरी फिल्म थिएटर में जाकर देखनी होगी। इस दौरान उन्होंने सनम तेरी कसम का पार्ट टू की डिमांड करने वाले लोगों से कहा, कोई भी प्रोड्यूसर किसी पार्ट का सेकेंड पार्ट तब बनाता है जब उसका पहला पार्ट हिट होता है। उस फिल्म को सिर्फ लोगों ने लैपटॉप पर ही प्यार दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी इस वाली फिल्म को आप थिएटर में जाकर देखें। अगर आप थिएटर में जाकर दंगे नहीं देखेंगे तो उन्हें किसी भी मूवी में काम नहीं मिलेगा। अगर आगे कोई प्रोड्यूसर उस मूवी पर पैसा लगाएगा तो उस मूवी की कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सनम तेरी कसम मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई है, इसीलिए कोई भी प्रोड्यूसर उस पर पैसा नहीं लगाएगा। और अब बात करते हैं कि अब पुष्पा का तीसरा पार्ट रिलीज होगा या फिर नहीं। देखिए, अल्लू अर्जुन की पुष्पा पार्ट 1 की सक्सेस के बाद इसके पार्ट 2 की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन इस बीच इस मूवी के तीसरे पार्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बीते साल अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के मौके पर पुष्पा 2 का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। इस फ्रेंचाइजी को लेकर फैंस में ज़बरदस्त हाइप बनी हुई है और हर कोई पुष्पा 2 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन इससे पहले डायरेक्टर सुकुमार की पुष्पा फ्रेंचाइजी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हाल ही में अल्लू अर्जुन से पुष्पा के तीसरे पार्ट को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर जवाब देते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा, इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को आगे की तरफ ले जाने की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिससे पता चलता है कि इसका तीसरा पार्ट भी रिलीज होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि पुष्पा 2 कितना कलेक्शन कर पाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब।